और महादेव। तो द्वीप क्या है, ऐसा छोटा डूबा हालांकि ये पर्वत होते हैं समुद्र में डूब गए थे, उनकी जो चोटी है वो ऊपर दिखाई दे रही है, तो छोटे छोटे होते हैं ठीक है ना, वो हमें क्या करते हैं दिखाई देते हैं। तो ऐसे भूभाग को हम क्या करते हैं, छोटे होते हैं उनके चारों तरफ जल होता है उसे हम क्या कहते हैं द्वीप कहते हैं। और बड़े भूभाग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, महा महा मतलब बड़ा ग्रेट ठीक है ना, तो बड़ा द्वीप बोलते हैं उसे, इसको क्या कहते हैं महाद्वीप। अब आगे क्या है, देखो चार तरफ से जब हम गिरता है छोटा चल रहा है तो बड़ा द्वीप और बड़ा चल रहा है वो महाद्वीप। अगर ये एक तरफ से गिरा हुआ है इसलिए इसको प्राय गिरता है मतलब जैसा कैसा द्वीप जैसा प्राय का मतलब गिरता है उसके जैसा वो जैसा, और द्वीप का मतलब द्वीप प्राय द्वीप, यानी अगर ये तीन तरफ अगर ये चार तरफ से गिरा हुआ हो जाएगा द्वीप, लेकिन ये तीन तरफ से ही गिरा हुआ है इसलिए लगभग ये द्वीप जैसा ही है, ये द्वीप जैसा ही है इसलिए इसका नाम पड़ता है प्राय द्वीप ठीक है। तो देखो भारत का ये हिस्सा जो दक्षिण भारत है इनका क्या कल है, वो भारत को कितने भाग में बांटते हैं, दो भाग उत्तरी और दक्षिण, ये दक्षिण भारत का हिस्सा ठीक है। इसमें क्या है कितने भागों से घिरा हुआ है, अरब सागर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, तो प्राय द्वीप तीन तरफ से जल से घिरा स्थल, तीन तरफ से जल से घिरा स्थल भाग क्या कहता है प्राय द्वीप। अब खाड़ी क्या है, तीन तरफ से स्थल से घिरा जलीय क्षेत्र, बात समझ आई, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ तो प्राय द्वीप और तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ क्या कहलाएगा प्राय द्वीप। अब आ जाती है खाड़ी और बे और जल दोनों क्या है खाड़ी है इसलिए इसको क्या बोलते हैं खाड़ी बोलते हैं ठीक है। देखो इसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं बंगाल की खाड़ी ठीक है, और इसको हम इसकी खाड़ी बोलते हैं या इसका रण बोल देते हैं, रण तो जैसे बोलते हैं यहां पर मैं पूरा एक हिस्सा है इसका ठीक है ना, पूरा ऐसा मैदानी क्षेत्र बनता है वैसे इसको कच्छ का रण बोल देते हैं, कच्छ की खाड़ी बोल देते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, तो कच्छ की खाड़ी वही बना इसको अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बे ऑफ बंगाल ठीक है, और इसको लिखेंगे गल्फ ऑफ कच्छ। क्यों देखो ये जलीय हिस्सा है, ये किससे गिरा हुआ है, एक भाग स्थल का ये है एक भाग स्थल का ये है और एक भाग स्थल का ये है, तो तीन तरफ से स्थल से गिरा हुआ जलीय भूभाग ठीक है, तीन तरफ से स्थल से गिरा हुआ जलीय भूभाग एक स्थल दो स्थल और तीन स्थल ठीक है, बात समझ आई। अब देखो तीन तरफ से स्थल से गिरा हुआ ऐसा जलीय क्षेत्र जिसकी त्रिभुजानुमा आकृति बनती हो, लगभग त्रिभुजानुमा आकृति बनती हो ऐसे विशाल क्षेत्र को हम क्या कहते हैं बे कहते हैं, या विशाल जलीय राशि जो तीन तरफ से जल से घिरी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं बे कहते हैं ठीक है ना। लेकिन अगर ये स्थिति इसकी ऐसी ज्यादा खत्म होती है तीन रूपों में होता है त्रिभुजाकार में बंगाल की खाड़ी, और अगर ये विस्तारक रूप में होता है तो विस्तारक रूप में होता है उसको हम सागर नाम दे देते हैं सी नाम दे देते हैं उसको हम सी कहते हैं, थोड़ा सा इससे विस्तार इसका कारण त्रिभुजा नुमा आकृति में आता है इसलिए इसको हम लगभग बे स्थल में कहते हैं। तीन नुमा आकृति स्थल से घिरी हुई है ऐसा संकरा जलीय क्षेत्र, संकरा देखो संकरा ये भी है संकरा खाड़ी ऐसा संग्रह जलीय क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ उसकी कोई आकृति नहीं बनती हो सामान्य आकृति बनती हो, तो ऐसे जलीय राशि वाले क्षेत्र को खाड़ी घटना उस खाड़ी का नाम क्या होता है, अगर वो त्रिभुजाकार आकृति में तीन तरफ से घिरा हुआ विशाल क्षेत्र होता है जल का तो वो तो बे हो गई, और संग्रह क्षेत्र होता है आकृति कोई नहीं होती है ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं गल्फ बोलते हैं ठीक है ना। और अगर
ऐसी जलीय राशि का विस्तार कोई आकृति त्रिभुजानुमाना और विशाल आकृति निकल गई, उसको किस नाम से जानते हैं? सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़े हैं जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि निबंधात्मक प्रश्न आएगा आपके, आपके बुक में इसको पढ़ के रखना। बहुत से कारक हैं जिनसे हम पता लगेंगे कि क्या कारण है, कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण कहीं जनसंख्या कम पाई जाती है और कहीं जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। आज के लिए